मैया, आज 15 साल बाद हमार पोते घरे वापस आवतारी। उनका ऊपर आपन कृपा दृष्टि बनवले रखी है मैया। यह हवेली में बहुत दिन के बाद खुशी आई बा। ये खुशी के ऊपर गुजरल बीतल बुरी परछाई कबो ना पड़े, कबो ना पड़े। वाह, ठाकुर साहब तामृता के आवे के खुशी में हवेली के त एकदम दुल्हन जैसे सजा देले बाड़न। इनकर कौनो जवाब नहीं खे। का गजोदर जी, सब काम काज ठीक से हो रहल बाना? बाबूजी जैसे रवा कहले बनीनू सब ओसा ही हो रहल बा। बहुत ठीक। हाँ, ए बोलू एने आवा। जी दादाजी। देखा गजोदर। हाँ। आ तहु सुना। हाँ। हर मेहमान के खातिरदारी ठीक से होए के चाही। हाँ? कौनो को कसर ना रहे के चाही। रघुआ चिंता मत करी दादाजी, कबीर दास जी कह गए बारे। कौनो कबीर दास तुलसी दास के बात ना ही सुना। जौन हम कहत हई ओकरा के ध्यान से सुना और ओके ध्यान से करा। जान ल, और कोनो दास के बात कइल न तो डायरेक्ट सूरदास बना दे। बाबूजी सब हाँ, काम हो जी, चिंता मत करी। अरे जेलर साहब आई आई आई। ठाकुर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अमृता बिटिया आ गेली का? हां आ गेली भैया, बुलावत नहीं। अरे कौनो जरूरत नहीं है, अमृता बिटिया थक गेल होई है, ओके तनी आराम करे देही। ओ कहे कि हम तनी जल्दी आ गेली हां। एहले अरे का एहले जेलर साहब, ई का खाता नहीं आप? अरे रघुआ के तौर पहले आवे के चाही। कहे कि एक रघुआ, एक डॉक्टर साहब, एक वकील साहब, ये तीन लोग तो बाड़न जिनका में हमरा के अपनापन दिखाई देला। वकील साहब और डॉक्टर साहब आ गेल बाड़न का? अभी ले तो नहीं खन आई, रघुआ आ गई नी तब वो लोग आवत हुई है। हाँ वकील साहब तो आ जाई है, पर अपन डॉक्टर साहब के पूंछ से जबले भाभी पैर ना हटाई हैं तबले वो ना आ पाई हैं। ये ठीक नहीं के, यो ठीक नहीं के। ईला तुम्हारा अभी तक जोरे का सिलेक्शन ना भइल। देखी ना ये नेकलेस कैसे लागी ये साड़ी पे। अरे भाग्यमान, हमनी के ठाकुर साहब के पोती के ब्याह में नइखे जा रहल बानी, ओसे मिले खातिर जा रहल बानी। फोकट में इतना जेवर काहे लादत तड़ू? अरे हम कौनो कंगाल बाप का बेटी है का? अरे इतना जेवर हमार बाबूजी देले बाड़न पहने खातिर, अरे रखे खातिर नहीं। हाँ हाँ मालूम बा, तू बड़का जमींदारे के बेटी हो, दूगो चार गो और लाद लो। तोहरा चक्कर में हम हमेशा लेट हो जाए ना। तोहरा के नइखे मालूम जाने लो तू, वो वकील और जेलर हमरा पे हसल है। अरे हमरा वजह से ना। अरे डॉक्टर के अपन ढांचा देख ले बड़ा, अरे एकदम बजनिया के ढोल नहीं लागता। अरे ये से लोग हसेला बुझला इनका के तो छिड़ले गुनाह बा। चला जल्दी चला। ये तो हरदम में एकदम हड़बड़िए में रहले, हमार सचलो ना सुहाला इनका के। कसम से जेलर साहब, डॉक्टर नहीं भाभी और डॉक्टर साहब के नोक झोंक सुन के बड़ा मजा आवेला। जैसे उनकर जिंदगी संवर जाई। बड़ा हसदानी लोगन डॉक्टर साहब पे। राउर बेटी आशा कहाँ बाड़ी ये बताई। आ आईनी हाँ तो उनका के लेके कहीं ना आईनी हाँ। अरे आशा हमारे साथे कैसे ना आई, आखिर बचपन के अमृता की सहेली है ना। अरे 15 साल बाद अमृता लौट के आयल भैया तो भला आशा ना आई? हाँ सावित्री, आशा तो कबले आयल बाड़ी और अमृता के तैयार करत हुई है। बैठी बैठी रघुआ लोग बैठी। वाओ नाइस ड्रेस बा, का कमाल की ड्रेस बा अमृता। ई ड्रेस के का पसंद के बा? और के पसंद करी, हमार जिंदगी में जे भी चीज बा वो हमार पसंद के होला। एकर मतलब बा कि तू हमरा खातिर चीजा जी भी पसंद का लेले वाड़ू का? आशा का भेल अमृता, काहे गुस्सा हो गेलू? कुछ नहीं, हम थोड़ा से बाद में बात करो। अरे अरे रुक का हा? अरे जब दिक्कत हम उसे आगे आगे सुपर फास्ट बन के भागत रहलू। चल रो वो चल। अरे
एक दूसरे के का देख रहा बानी हाँ? और हमारे छोटा डॉक्टर कहाँ बाड़न? उनका बगैर रउवा लोगन के यहाँ आवे का हिम्मत कैसे हो गयी? हम पहले ही कहत रहनी ना कि विजय के बगैर जाए तो वहाँ 1000 सवाल खड़ा हो जाए। अरे तो हम का करी? अरे हम कहनी ना ओकरा से, वो कहलस कि एगो बहुत ही इमरजेंसी ऑपरेशन बा, वो ऑपरेशन हो जाए ना तो आ जाए। अरे काहे के इमरजेंसी ऑपरेशन, और यहाँ जो हमरे इज्जत का ऑपरेशन हो रहा बा। अरे का इज्जत का ऑपरेशन हो रहा बा? डॉक्टर साहब सुनी, छोटा डॉक्टर रउआ से बढ़िया डॉक्टर बा, और एक डॉक्टर के पहले मरीज के सेवा ओकरे बाद दूसर काम, बुझली? चली बैठी आके। चुरन सिंह, ए चुरन सिंह। जी सर। अरे हम जो पेशेंट के ऑपरेशन करनी है ओकरा के वार्ड में लेटा दो। कौन पेशेंट के ऑपरेशन करनी है सर? अरे ओकरे जौन की तू कहत रहला कि हाथ में गैंग्रीन बा, ओकर हाथ हम सफाई से काट देले बानी। गैंग्रीन? लेकिन ओकरा के तो हम बाहर बैठे बानी। का हाँ। अरे तो लेटर वाला कौन भाई ओटी में? अरे ऑपरेशन थिएटर में। अरे बाप रे बाप। अरे वो तो अपना थाना के हवलदार रहल, ओकरा दाते में दर्द रहल, और रउआ रहली ना तो ओकरा के हम बेहोशी के इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन थिएटर में सुला देनी, और रउआ ओकरा हाथ में काट देनी। अरे चुरन, तहरा चक्कर में हमरा हॉस्पिटल बंद करे के पड़ी। अच्छा चलो चलो चलो, वो पेशेंट कहाँ बा जोन के हाथ काटे के बा? ओकर हाथ काट फटाफट। अरे अरे रुकी। अरे ओकरा हाथ कटले से पहले वो हवलदार के हाथ जोड़ दी ना तो वो होश में आई ना तो हमार जियल दुश्वार हो जाई। हे भगवान, हमार तो जियल मुश्किल हो गई बा। अरे तहरा चक्कर में हम दादाजी के पार्टी में न जा पाई। अब दादाजी अमृता का सोचत हुई लो? चलो 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 चली हवलदार के हाथ जोड़ दी। हाँ चलो। आवा बेटी आवा, देखा आज तोरा से कितना लोग मिले आयल बाड़न। 15 साल तक हम और अमृता के दादी अमृता के बगैर कैसे बितैनी एकर बयान हम ना कर सकेनी, ना कर सकेनी। जिंदगी के एक एक पल कैसे हम जीनी, खाना का एक एक निवाला कैसे हम खैले बनी, वो दिन सोच के हमरा के बड़ा तकलीफ होला। मगर आज अमृता के आइला से हमार जिंदगी में फिर से खुशी आ गई बा। हम बहुत खुश बानी, बहुत खुश बानी। और ये खुशी में आप लोग भी शामिल बानी, ये वजह से हमार खुशी और भी बढ़ गई बा। हाँ हाँ, हमार खुशी और भी बढ़ गई बा, आज अमृता आ गई। अब बेटी देख तोरा से के मिले आई बा, ई तोहार वकील चाचा। प्रणाम चाचा। खुश रहा बिटिया, खुश रहा। ई तोहार जेलर चाचा। प्रणाम जेलर चाचा। सुखी रहा बिटिया। रवा अकेले आई बानी? का करें बेटी, 2 साल पहले तोहार चाची हमार साथ छोड़ के चल गई थी, और बेटा आर्मी में मेजर बा, जे सरहद पे देश के सेवा कर रहल बा, यही खातिर जीवन अकेला हो गई। ई का कहता रहा बीर सिंह, हमार परिवार तो तोरे परिवार जैसन बान भाई, यही खातिर तो बार बार रउआ से आशीर्वाद ले वास्ते आ जाता। हाँ। और ई हम है तुहार डॉक्टर चाचा, और ई है तुहार गोल्डन चाची। अरे हमार बाबूजी दहेज में इतना गहना देहले रहलन पहिने खातिर, अरे बक्सा में रखे खातिर नहीं, और अगर पहनला से केहू गोल्डन हो जाला तो हम गोल्डन है। बेटी की सलामती चाहे लिस, ता आज के बाद हमार काम में कब्बो दखल मत दीजिए। हम कहा करे नहीं, कहा जानी और ककरा पास जानी, ये पूछे के तुहार कोनो हक नहीं के, याद रखिए, समझे? इका बेटी, आज खुशी के दिन में तोरे आंख में आंसू,
ना बेटी ना, मत रो बेटी, मत रो। एगो बात कही दादी जी, तोहरा के पता ना बा का? कि रहीम दास जी कह गेल बाड़े कि कबीर दास भूखे भजन न हो गोपाला, इली कंठी इली माला। रे बड़ी बकबक बकबक करे लागल बाड़े आजकल तू, जो सबका खातिर नाश्ता लेके आवा। जा ठीक बा दादी जी, दिन भर बकबक बकबक नाश्ता। अमृता बेटिया, कहा मोबाइल में खो गेल बाड़ू, और तोहार चार रखल रखल ठंडा हो गेल बा। बस दादाजी, एक फ्रेंड के SMS कर रहल बानी। SMS? अच्छा ही SMS वाला फ्रेंडवा, लड़का हो कि लड़की हो? का कह रहल बानी दादी, ये हमार फ्रेंड हा, ओकर नाम संजय तोमर हा। अमृता बेटी, अब तोहार उम्र ब्याह के हो गेल बा, और हमो तोहरा खातिर दो चार लड़का देखले बानी। देखा अगर संजय तोहरा के पसंद बा तो हमरा के कौनो एतराज नहीं के। दादाजी, पति पत्नी के एक रिश्ता के हम बहुत करीब से देखले बानी, और वो देखला के बाद हम केहू के साथ ये रिश्ता ना जोड़ सकेनी। प्लीज रहुआ लोग हमार शादी के बारे में सोचा छोड़ दी। ला ई ऐसन कह के चल गईल जेंगे लागता कि कोई बियाह है ना करे। ना ऐसन ना हो सकेला, अमृता हमारे इकलौती पोती बिया, ओकर बियाह ना होके ऐसन ना हो सकेला। अमृता के बियाह हुई आ जरूर हुई। अरे बिया के बिना जिंदगी भी कोनो जिंदगी बा? पता ना काहे तू बिया खातिर मना कर देलू। हमरा के देखा, हम तो सोचे नहीं कि बस अगला ही पल में बीजे के साथ हमार बिया हो जाए। पता बा अमृता, हम बीजे से बहुत प्यार करेनी, जब भी ओकरा के देखनी ना तो हमार तन बदन में गुदगुदी होखे लगेला। हां अब की कहां रह गेली? अरे अमृता का भाई, तू इजे काहे रुक गेलू? हम उहे दिन तोरा से एगो बात कह के चाहत रहनी, पर उ दिन पार्टी के वजह से कह न पाई। बाकी आज घरल बन का बात बा बोला? आशा, तू मर्द के ऊ रूप नहीं खुद देख ले जौन हम देख ले बानी, और उ गंदा रूप उ गंदी फितरत जे हर मर्द के होला। जब ले मर्द औरत के किसी रिश्ता में ना बांधे ले तब तक वो प्यार मोहब्बत जैसन चीज के दिखावा करे ले, और एक बार जब औरत ओकरा साथे ब्याह करके विवश हो जाली तभी मर्द की फितरत भी कमी नहीं हो जाली। ओकरा बाद प्यार सम्मान देवल तो दूर, वो औरत के सास पर भी अपना अधिकार जमा ले विले। यह मर्द के असली फितरत है। लाली, न तोरा आगे पीछे न हमरा आगे पीछे के हुबा, बस तू जल्दी से हाँ कर दा, हम दादाजी से बात करके फटाफट फेरा ले लिया जाई। हम कितनी सोचे दा? सोचे दा? अरे का सोचे दा? तू कब ले सोचबू? हम तोहरा से मिले बदे 50 बहाना करके अपने गांव से आवेली, और तनी जल्दी सोच लेबू तेरी रोज के आवाज आई खत्म हो जाई। ठीक बा, का ठीक बा? तू कब ले सोच के हमके बताइबू? दो चार दिन में सोच के पता ही देव। दो चार दिन में? हे भगवान, है के हम कैसे समझाई? रहीम दास जी कह गेल बारे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। अरे लाली, अरे लाली, हमार नीली हमार पीली चल गई। अरे गुरु, तनी परसदिया हम नियो के दी ही। ला हो महाराज, बम्बा भोले शंकर। शंकर नाम बा हमार, नाम बा भगवान के, और
काम बा शैतान के। तो के वो दूसरे गांव का चिकड़ू मरैला जैसन मच्छर लौंडा बहुत नीक लागला और हम गौरी शंकर हट्टा कट्टा बाका भोजपुरिया जवान है ओके तीत लागला देखा 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 का देखली दुई बार देखली और दोनों बार तू चकमा देके भाग गईलू मगर ई बार चिलम सुलग के रही बाबा बोले रे शंकर ये तो फिर चकमा दे गईल गुरु रेस लगावा रेस का देखत बड़ा जाके चीलम सुलगावा बाबा बोले गौरी शंकर गौरी गौरी शंकर नाम बा हमार नाम बा भगवान के और काम बा शैतान के आज हम तुहार चिलम सुलगा के रहब आज तुहार चिलम क्या बेरा अरे तू सब का चाहत बाड़ू हमनी के तुहार चिलम सुलगावल चाहतनी लेकिन देखला ना कि तू शुरू कर देला अपन कुत्ता गिरी दिखावल आज के बाद अगर तू केहू लड़की के बुरे नजर से देख ले तो तोरा के चिलम में भर के सुलगा दे चिलम ऐसा बुझाए कि सार ना तू कबो अपन चिलम बुझा पाए मत चला पाए समझ ले वो तोड़ दे बुगा कुकु कह के चिलम तो कहीं दूर अरे बच्चा अरे अम्मा अरे अब तो है पक्का से था अरे अम्मा अरे पापा अरे अरे लागा था कि आज बढ़िया से गुरु के चिलम सुलग गए हो तो बहनु इतना हाफ रहल बारे अबले नइखे आइल कहाँ चल गई अरे अमिता बेटी कहाँ रहलू बेटा दादाजी हम आशा के गांव गई रहनी उसे मिले खाते ईद लाली है दादाजी प्रणाम दादा खुश रह बेटा खुश रह दादाजी लाली के आगे पीछे केहू नहीं के अच्छा अनाथ भी आ बेचारी ऐसे हम सोचनी के लाली ये आसे यही हवेली में रही ये ना जी दादाजी अच्छा सोच लो बेटा बोलो आवता नहीं दादाजी लाली अरे ये आंख फाड़ के का देखो ताड़े हां कुछ ना जो जाके को कमरा साफ कर दे आज से ये हवेली में रही यही दे अच्छा बेटी अब अंदर आओ जी दादाजी लाली तू तहा ना कात रहलू बाकी हमार किस्मत तोरा के हमसे मिला देला बाकी वो कहावत सुन ले बड़ू ना बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख रघुआ लोग समझ के ली ना अमिता बेटी ये राहुल हुमन अपना गांव में कौनो काम बदे आए लन हमरा से मिल गई लन तो हम सोच ली कि तोरा से मिलवा दें यही बदे अपना घरे हम इनका ले ली सुना अमृता राहुल ना इंजीनियरिंग के पढ़ाई पूरा कर रहल बाड़े और घर से भी बहुत संपन्न बाड़े यही से इनका के हम तोहरा खातिर पसंद कइनी हां ठीक बाड़े ना लेकिन दादी अब बेटी लेकिन लेकिन छोड़ा इनका बाबूजी के हम जमान दे देले बानी
अब तोरा के कोनो कमी नजर आवे तो तुमरा के बता देना। का हम राहुल से अकेले में दो मिनट बात कर सके नहीं? कहे न कर सके लो। आई जा बेटा। अरे जा शर्मा जन। सुनी रवा कब बुझाता जाए अमृता ब्याह खातिर इनका से राजी हो जाइए। ब्याह खातिर तो राजी होए के पड़े काहे कि हम जवान दे चुकल बानी और अगर हमार जवान चल गई ना तो हमार जानी चल गई। देखी हमके कोनो भी दखियानुसी रीति रिवाज और रसम अच्छा ना लागेला। इस सब बात के तो हमू ना मानेला। आज दुनिया इस सब बात से बहुत आगे जा चुकल बा। ड्रिंक करे नहीं रवा? हाँ कभी कभी दोस्त लोगन के साथ ले लेवे नहीं। एक मिनट रिली इतना पी सके नहीं रवा? ना इतना बहुत ज्यादा हो जाए। तो ठीक बा पी के दिखाई। आइस चाहिए? ना देखी हम पति से चार कदम पीछे चले वाली पत्नी ना है। हम पति और पत्नी के साथ साथ चले में विश्वास करे नहीं। आज के जमाने में ऐसने होके के चाहिए। हम हजार आदमी के भीड़ में आपन पति के चुम्मा देवे में विश्वास करे नहीं। रउआ के ई बारे में का विचार बा? हाँ ई सब आज के जमाने में चलेला। रउआ के हिसाब से पति पत्नी के बीच कैसन रिश्ता होके के चाहिए? बहुत सच्चा प्यार होके के चाहिए दोनों के बीच में। पति के पत्नी के पूजा करे के चाहिए। अगर पत्नी बहुत अच्छी हो के तो करा के छू के गंदा भी ना करे के चाहिए। यहाँ हमार सोच रहुआ से थोड़ा अलग बा। काहे कि हमरा के वाइल्ड लव पसंद बा। वाइल्ड लव मतलब जंगली प्यार। वैसे पत्नी के जोन पसंद होके पति के उसने प्यार करे के चाहिए। अब तो शुरू करें। हाँ जल्दी करा। करा था नहीं बोल रहा बनी ना तो जैसन कबू हम वैसने करा। अरे कुत्ता चाहे कोनो नस्ल के होखे लंगोट के सब कच्चा होखेला। तू लोगन के बस एक मौका के तलाश रहेला और वो मौका मिलते ही सब अपन औकात पे आ जाले। ऐसे हमरा के नफरत बात तो हार जैसा नीच कमीना और गिरगिट जैसा नंग बदले वाला मर्द से। अगर तोहरा में जरा से भी शर्म बचल बाना तो चुपचाप निकल जाए हवेली से बाहर। निकल जा से। मुझे तो बोला था वाइल्ड लव। अरे देखिए दादाजी ये है रउआ के सज्जन सुशील और सम्मानित परिवार के इंजीनियरिंग पढ़े वाला लड़का जेकरा के इतना सन मौका देनी तो आपन जा दिखा देलस और वो चाहते नहीं कि हम इनके से शादी करी। दादाजी हम कबो शादी ना करब और रवा भी हमार शादी करावे की कोशिश कबो ना करी ताहे कि हम अपन माई जैसन घुट घुट के ना मर सके भी। अगर ये ब्याह ना करी तो हमने खातिर अच्छे नु बा। देखो ये अपन बसरी अंदर चल के फूक जान लो। चला चला जब देखो तो अलग सुर लगे लिया लाप पे। कान खोल के सुने रवा लोग ये हमार बेटी है। हम जैसे चाहब बच्चे करा के जिए का पड़ी और हमरा मामले में कहू के दखल देवे के जरूरत नहीं के। ये बात क्या आप लोग ख्याल से समझ नहीं? आवाज नीचा करके बात करे इंदर। हम तो आर बाप है बाप और हमरा जीते जी हवेली में हुए हुई तो धम चाह। देख देख इंदर तुहारी गंदी हरकत से ही बच्ची का क्या हाल भइल बा। फूल जैसन बच्ची कैसन मुरझा गइल बिया। देख कैसन मुरझा गइल बिया। बस हो गइल इंदर अब बहुत हो गइल। तुहार हर भूल के हम नजरअंदाज करत रहली। बाकी अब अगर तू अपन गंदी हरकत ना छोड़ला तब तोरा खातिर घर के
दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। सब कुछ तोरे वजह से हो रहा है अलवा, तोरे वजह से। तू ही पति पत्नी के पवित्र रिश्ता के कलंकित कैले बाड़े। आज हमरा के घिन आ रहा अलवा अपने आप पे, कि हमार खून के एक रूप तू हुआ। पता नहीं हम कौन पाप करे रही, कि तोरा जैसा औलाद हमारे घरे में पैदा भइल रहे, और पता नहीं अभी तक कौन पाप कैले रहे, कि तोहार बेटी बन के पैदा भइल। इंद्र तू एक ना, तू तू पीढ़ी के बर्बाद कैले बाड़े, तू तू पीढ़ी के। हम तोरा के कबो ना माफ करब, कबो ना माफ करब, कबो ना माफ करब। आई डॉक्टर साहब, आई का हाल बटा खुदा के, बहुत सीरियस हालत बा, पता ना का हो गई बा दादाजी के। चल चल चल, डॉक्टर चाचा का भेल दादाजी के? अमृता ठाकुर साहब अब हमने के बीच में आ मैं ठाकुर बलदेव सिंह अपने होशो हवास में अपनी इकलौती पोती अमृता की वजह से ये वसीयत कर रहा हूँ। मेरी पोती अमृता ही मेरी मृत्यु के उपरांत मेरी सारी संपत्ति और जमीन जायदाद की हकदार है, परंतु ये हक अमृता को तभी मिलेगा जब वो शादी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगी। यदि अमृता अपने जिद के चलते शादी नहीं करती है तो मेरी सारी संपत्ति और जमीन जायदाद मेरी पत्नी सावित्री के मृत्यु के पश्चात एक अनाथालय को दान में दे दी जाएगी। और हाँ, यदि ऐसा होता है तो मेरे घर में दो ऐसे प्राणी हैं जिनका इस घर के सिवाय दूसरा कोई ठिकाना नहीं है, और वो हैं मेरी पोती अमृता के मामा मामी। इसलिए उनको जीवन यापन के लिए मेरी जमीनों में से 2 बीघा जमीन और रहने के लिए गुहाल की जगह दे दी जाए, और मेरे वफादार भोलू जिसने हमारी निस्वार्थ सेवा की है इसे मेरी जमीनों में से 10 बीघा जमीन दे दी जाए। चला हो गया। वकील चाचा, हम दादाजी की जमीन जायदाद के बगैर तक जी सकेंगे, लेकिन शादी ना कर सकेंगे। अमृता बेटी, तुहार दादाजी के अंतिम इच्छा ई रहे कि तुहार शादी हो जाए, इसे जब ले तू शादी ना करबू तब ले उनकर आत्मा शून्य में भटकत रही, ओके कब्बो शांति ना मिली। जेलर साहब सही कह रहा बाड़न, अमृता बेटी तू उनके बात पर गौर कर और कोशिश करे कि तुहार फैसला बदल जाए। बताओ भला, और नौकर भोलुआ के 10 बीघा जमीन, हमनी के 2 बीघा रहे खाती गुहाल जहाँ गाय भैंस बनाला। अरे बुढ़वा, ते का वसीयत करके गई श्री? बुढ़वा का करके गई आ ना करके गई एकरा के सोचला के कोनो जरूरत नहीं है। बुढ़वा के भूल जाई और वह ये सोची कि गुहाल में रहे की हवेली में। तो तू का कह चाहत रू बताओ ना। हम ये कहे के चाहता नहीं कि अगर हमने का ई हवेली में रहे के बाद अमृता के ब्याह करवावे के पड़ी। अमृता के ब्याह खेल है का? हैं हो बुढ़वा, ओकर दादा ओकरा के ब्याह खातिर समझा समझा के मर गई। अब के समझे ओकरा के ब्याह खातिर हो?
हमरा तो कर बिया बहुत मुश्किल बुझाता। उदासी में डुबला से कुछ काम न होकी बेटी, काकी कल रात हमरा मन में ख्याल आई, यही से रहुआ लोगन के पास हम मिले खातिर आ गई। इत तय बा के मृता बेटी ब्याह न करी, अगर ब्याह न करी तो जमीन जायदाद ई हवेली के साथ साथ ठाकुर साहब की भी नाम खत्म हो जाए। गुहाल मरई के मामा मामी के जब दो वक्त ये रोटी नसीब न हुई तो ठाकुर साहब के नाम पे लोग हंसी हैं। यह सब बचावे खातिर हम सोचा था नहीं अमृता बिटिया के ऐसा ब्याह करा दिया जाए जे कानूनन ब्याह भी साबित हो जाए और उकरा बंधन से मुक्त भी हो जाए जौन अमृता बिटिया चाहे ली। देखा एक वकील के नाते हम अच्छी सलाह देता नहीं, बाकी फैसला रउआ लोगन के हाथे बा। का ऐसा हो सकेला चाचा? हाँ हाँ हो सकेला अगर तू हाँ कर देता। दादी ऐसा ब्याह के बारे में हम एक बार जरूर सोच सके नहीं। ठीक बात, अगर ये बात है तो हम ऐसा एक लड़का के तलाश करो। हाँ देखो ठंडा पानी मत पियो, ठंडा खाना मत खाइयो, ठीक नू जितना कहो तनी उतने करी हो। हाँ देखो टाइम से दवा जरूर ले लिया नहीं तो फिर तेरा के हॉस्पिटल में भर्ती कर दे बुझला। हाँ डॉक्टर साहब जल्दी चली, इतना बड़का को पेशेंट आई बा इमरजेंसी। अबे चूरन सिंह इमरजेंसी पेशेंट ना होला, इमरजेंसी केस होला। अरे तहन के तो पूरा हिंदुस्तान के खराब कर दिल बड़ा सर। का भइलो पेशेंट के? ओकरा के बिच्छू काट ले बा। बिच्छू? हाँ अरे तो बिच्छू के काटल इमरजेंसी पेशेंट होला ना। उस ससुरा चिल्ला चिल्ला के पूरा हॉस्पिटल में शोर मचा दे ले बा, ऐसे हम सोचनी के। अच्छा अच्छा कहाँ बा पेशेंट? वो चार नंबर वार्ड में रख ले बानी होके। चली 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 चला चला चली चला। आयो दादा मर गई नी डॉक्टर साहिब। अरे तो होके बिच्छू कट ले बा। कहाँ कट ले बा? अरे यहाँ तो कोनो काटे के निशान नहीं खे। अरे यहाँ तो काटे के निशान नहीं खे रे। अरे यूं जी कोनो निशान नहीं खे काटे के। अरे वहाँ नहीं तेरे का ऊपर देखी ना। अरे तू के हो? अरे तोरा परेशान करके हमरे हॉस्पिटल मिला रहला। अरे और काम मिल पाए नहीं तो हम का करी हो? चल पागल। बोलवालो ऊपर से नीचे झरवालो उनके घर में ले जाके लवन से लवन सटालो। तू सुना रोग बाजार तू ही बाणा एक दवाई तू फिर बहिया में नव गर्भा रोग वाचु मंगर हो जाए। करा खातिर देखो जादो सर दुवारिया ना करा खातिर देखो जादो सर दुवारिया ना। हवा डाल
तोहरो बलि पटाल दूसरा के मन चली हमारा पीछे झूठा हूँ गोरिया भइल बाड़ू छिपकिली जा जा तोहरा जैसन देखनी बहुत गुजरिया काकी वकील साहब हमरा के बतैले रहले कि अमृता बिटिया एगो ऐसन शादी करे खातिर तैयार बाड़ी जे शादी होके भी ना होके तो ए खातिर हम एगो लड़का देखले बानी जे हमरा जेल में एगो कैदी बा और उ कैदी के कुछ दिना के बाद फांसी होके वाला बाटे। उ का है कि काकी उ कैदी से शादी कैला के बाद ठाकुर साहब के वसीयत के मुताबिक इधन दौलत जायदाद हवेली दान में न जा सकी। लेकिन वकील साहब जब वो कैदी के फांसी दे दिहल जाई तो हमार अमृता बिटिया जिंदगी भर विधवा की जिंदगी बिते है का? कैसन बात कह रहल बाड़ू दादी, जब ये शादी ही शादी जैसे ना हुई तब एमे हमार विधवा होके के सवाल कहां उठेला? अरे थोड़ी देर के बाद फुदकी हा, अभी शांत रह शांत। जेलर चाचा, शादी से पहले हम एक बार उ कैदी से मिले के चाह। उ कैदी के नाम मृत्युंजय सिंह है। लेकिन वो मृत्युंजय मौत के दहलीज पे खड़ा बा। ओकरा पे इल्जाम बा कि वो एक लड़की के बलात्कार कैके ओकर हत्या कर देले बा। पर मृत्युंजय के देखला के बाद हमके ऐसा नहीं लागत कि वो इतना बड़ गुनाह कैले हुई। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया। जेलर साहब कमाल के भाई, किस्मत के खेल। एक तरफ रघुआ के कानून जे हमरा के फांसी देवे के इंतजार कर रहल बा, और दूसरी तरफ रघुआ हमार जिंदगी के चंद बचल लम्हा में से केहू के जिंदगी देहल चाहता है। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। जेलर साहब, अगर हमरा से केहू के फायदा हो सकेला तो हम ही शादी करे खातिर तैयार बने। बोल सियावर रामचंद्र की है। अरे खोल गेटवा तो खोल। गाड़ी से सब सामान उतार लो। जाके सामान उतार, चल चल। Thank you.
हौसला, मांग में भरली मोट सिंदूर और गले में टुनटुनी जैसा लटकली मंगलसूत्र। ये सब चीज से हमके कप्पो बांधने की कोशिश मत कर। सुना, ये मंगलसूत्र तो अपन मर्जी से अपन गला में डालने वालों, तो इकरा के उतारे में कम से कम एक दिन के इंतजार तो कर ला। काल मृत्युंजय के फांसी हो जाई, ओकरा बाद तहर मंगलसूत्र हम स्वयं अपना हाथ से निकाल दे और पूरा विधि विधान के साथ। बेचैन लगतारू हो, इतना बेचैन अभी मत हो खा। अभी मृत्युंजय के फांसी लागे में 15 मिनट बाकी बा। ए जी सुना तनी, अमृतवा के तब ब्याह हो गई, आ एक के दिन में विधवा हो गई। जिंदगी में अनहार भयता अंजोर, ऐसे बढ़िया तो हमें ही विधवा हो गई रहती। ये वो की ना, जा। जब देखा तो बेवक्त के सहना ही लगे बजा। बेटी नहा के ही साड़ी पहन ला। दादी हम ये सफेद साड़ी काहे पहनी, पहले हम रउआ लोगन के कहला पे इतना ढोंग कर चुकल बानी, अब और कुछ ना करो। बेटी जैसे इतना सब कुछ कर लहलू, वैसे एक दिन खातिर एहू रस्म के निभा ल, फिर तोरा जवन मर्जी हुई तवन तो करी हो। जाने लो लाली, एगो बात कही, इतना जीवन अगर हमरा लगे रहे तुनु तब विधवा भला के बाद ना उतरती हो। यही ले भगवान ना देले, यही से हमरा के देख के सब लोग जरत रहेला गुलबत रहेला। ना ना अमृता, आज के दिन ना ही तो कोनो सोफा या बिस्तर पर बैठबू और ना ही कोनो छोकल खाना खाइबू। दादी अब ये सब का हा? बेटी ये रस्म है, हर विधवा की रस्म निभानी ही पड़ेला। ओ नो, कि 2 दिन में हम जो जिंदगी देखनी है वो हम कबो न पिला सका। दादी प्लीज, इस शादी और ये रस्म से जुड़ल कोनो भी चीज कबो हमारे नजर के सामने ना दिखे के चाहिए। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया। तू पर तो के तो सुबह फांसी लगे वाला रहे। हाँ हमरा के फांसी लगे वाला रहे, लेकिन तोहार शक्ति तो हमरा के बचा लेलस। भगवान के लाख लाख शुक्र बा जे हमरा के नया जीवन दे। मतलब ई अमृता बेटी, ई बेगुनाह के जवन गुनाह के सजा मिलल रहे ओकर सच्चाई सामने आ गई और कानून मृत्युंजय के बाइज्जत बरी कर दी। हे भगवान, ये सब शायद तुहार भाग के वजह से होखल बा बेटी। एनीवे जोन वजह भी होखे जिला चाचा, लेकिन हमार इनका से कोनो रिश्ता नहीं के। बढ़िया बहुत बढ़िया।
जब चाहलू रिश्ता जोड़ दे और जब चाहलू के तोड़ दे। अरे फितरत तो हर हसीना के, पर हम भला ही मैडम कि जवान रिश्ता एक बार जोड़ दे ओकरा के सांस टूटे से पहले ना तोड़े। कुछ भी दादी माँ एकरा के लिए और संभाल के रख दे और हमरा के आशीर्वाद दी कि हवेली में रह के रउआ के तन मन से सेवा कर सके और एक दिन आई जब केहू एकर जरूर कदर करे। ना तू यहाँ ना रह सकेला, हमार और तुहार कोनो रिश्ता नहीं खे। और एक बात तू याद रखी हा, हमरा पति पत्नी के रिश्ता से नफरत बा और हम कबो केहू के साथ ये रिश्ता ना जोड़ सकेगी, समझला? बढ़िया बहुत बढ़िया। पर हम उपला ही मैडम कि जवान रिश्ता एक बार जोड़ दे ओकरा के सांस टूटे से पहले ना तोड़े। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया। तोहरा के जवान लड़का देखे आवत रहे, तू ओकरा के शराब पिलावत रह। ए मिस्टर, तू कहे के क्या चाहत पड़ा? कहे के ई चाहता नहीं कि शराब कैसे पियल चाला। तोहरा के पति के साथ कंधा से कंधा मिला के चलन पसंद बा। तोहरा के पति के पैर के जूती बनल पसंद नहीं थे, ई बहुत बढ़िया बा। और सबसे अच्छी बात ई बा कि तोहरा के वाइल्ड लव पसंद बा। वाइल्ड लव यानी जंगली प्यार हमरा के भी पसंद बा। अब हम तोहरा के बतावा तानी कि जंगली प्यार कैसे कई चला। रोवा के सब जबाने नु कमाल करीला, एक से एक बात करके हंसा हंसा के जबासे के पेट फुला दी। अरे गजोदर बाबू, हमारे पास ऐसा ऐसा आइटम बना, अगर हम सुना दे तो राहुल पेट में हंसत हंसत दर्द हो जाए। अरे आशा, आज इतना सवेरे सवेरे। अरे का बताई अमृता, तीन तीन को गुस्से एकदम से हमरा जिंदगी में आ गए, तो अपना के रोक ना पबनी और तोरे पास चलाई। अरे त तू हमके ना बतौलू हां कौनो खुशी के बारे में? अरे तनी हमनियो के जानी जा, का खुशी की बात बा? गजोदर बाबू, हां वकील साहब, अरे पहली खुशी ती बा हमारे आशा बिटिया के बढ़िया से नौकरी मिल गई। और दूसरी खुशी ई बा, पता बा हमर नौकरी कहां लागल बा? कहां? बीजे के अस्पताल में। अरे तो साथे डबल खुशी हो गई। जी आशा, ई बतावा कि तीसरा खुशी का बा? मामी, तीसरा खुशी तो बहुत बड़ खुशी बा। अच्छा, पता बा मृत्युंजय भैया कानून के नजर में बेगुनाह साबित हो गए। नमस्ते 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 नमस्ते। आई मृत्युंजय बाबू बैठी। मृत्युंजय बाबू एक बात पूछी? हाँ पूछी। मृत्युंजय बाबू, राहुल शादी अपने आप में इतिहास है, ऐसे रउआ के बारे में ज्यादा कुछ पता ना चले, वो सब तो ठीक बा, लेकिन हम जाने के चाहता नहीं कि रउआ का करेंगे। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया सवाल कही वकील साहब। अरे जेकरा पास इतना बड़ हवेली, जमीन जायदाद, पैसा रुपया, माई जैसन दादी माँ, मामा मामी और एक खूबसूरत बीवी अगर साथे हो तो ओकरा के कमाए के का जरूरत बा? और सबसे कमाल के चीज तो ई बा वकील साहब कि कहां जिंदगी मौत के दरवाजे से खींच के
हमरा के यहाँ ला दिलस। जब जिंदगी के साथ साथ इतना सब कुछ मिल गए तब हमरा के बताई कि कुछो करे के का जरूरत बा। अरे अब तो जिंदगी ऐश से कटी ऐश। अरे दादी, ये अमृता आईसीयू के काहे चल गई? पता ना बिटिया, वो कब खुश हो जाली कब नाराज हो जाली कुछ समझ में ना आवे। अरे दादी, रउआ आराम से बिस्किट और चाय पीही। उनका के कब्बो कब्बो मिर्ची लागेला, यही से हमेशा ऊपर से नीचे आवत रहेली। वो गैल बाली ना फिर रही है। अगर इतना रुपया से तो हार जल्दी आराम से ना करती तो और अकेले जाइए। लेकिन अभी और यही वक्त निकल जाइए। अमृता दादी प्लीज, तू होश में तो बाड़ू ना, तू का कह रहा बाड़ू? दादी प्लीज, रवा बीच में ना बोली। आज से या तो ये घर में रही है या फिर हम रहो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमरो के तुम उनकरा साथे अपना हिया काहे ना बुला ले लू मैया। हाय कुल देखे खातिर काहे के जिंदा रख ले बाड़ू। अब हमरा से कुल देखल नहीं खे जात माई। दादी, जब रउआ ऐसे टूट जाए तो अमृता का ख्याल के रखी? का कही बेटा, हमरा तो इस समझे में नहीं खेवर जे अमृता अपन गुजरल जिंदगी से कब बाहर निकली है। दादी, गुजरल कल में ऐसा का रहे जेकरा के अमृता भुला नहीं की पावत? का बताई बेटा, अरे जब अमृता के जन्म ई हवेली में भयल रहे नू, पूरा हवेली खुशी से छा गल रहे। 5 साल तक वो खुशी के सहारे हम जियत रहनी। बाकी एक दिन ऐसा आई कि हमार इंदर की जिंदगी में कारी बदरी छा गई। शोस में बड़ा होस में आवा, ऐसे ना धकिया I hate
काली बदरी में ऐसा गिरा कि हमार बहु सुनैना की जिंदगी बस एक इंतजार बनते रह गया। करवा चौथ के ऊ रात हमार बहू के इंतजार के आखिरी रात रही। हवेली में रहो आवा ठहरा। फूल से भी की चौखट पार करे के कोशिश मत करिया। आज तक रउआ ई हवेली के बाहर जी कुछ भी कहनी ना, हम कबो ऐतराज न कहनी, लेकिन आज अगर ई तवायफ के कदम ई हवेली में पड़ गई तो ई हम बर्दाश्त न कर। का कर लेबो, का कर लेबो, बुला गई तू कि ठाकुर इंद्र प्रताप सिंह के सामने तुम्हारी शरीर ही ना तुम्हार आत्मा भी कांपेला, तुम्हार एक एक सांस हमार गुलाम बा, समझ लो। शायद रव्वा भूल गई कि रव्वा के साथ जो हमार रिश्ता बाना उकर सम्मान हमारी शरीर और हमार आत्मा सातों जन्म तक करी, और जैसे रव्वा के जुल्म करे के हमरा ऊपर पूरा अधिकार बा, वैसे ही हमरा के भी अपन परिवार के सम्मान के रक्षा करे के पूरा अधिकार बा। तोहर मुंह में इतना लंबा जबान होगी कि अगर हमरा के पहले मालूम होई तो हम ओकरा के कमरे काट के फेंक देले रहती। देखिला हम कि हमार सोना रानी के ये हवेली में आवे से तू हमरा के कैसे रोकेलू। सोना चला ठाकुर साहब, अपन पत्नी से मिले वाला सम्मान और ओकर सहनशीलता की ओकर कायरता मत समझिया। बताई बेटा, पति की एक घिनौना रूप
अमृता के दिल में ऐसन नफरत जगौलस कि आज तक शायद निकल ना पावल। तब तो दादी लागा था यह जन्म में हमार और अमृता के मिलन ना हो सके। अरे ना बेटा ना, ऐसन मत कह, मिलन होई और जरूर होई। बम बम भोले गौरी शंकर। अरे लगता बुझा गेल रे। अरे सुलगाओ जल्दी। अभी सुलगा पति गुरु। हैला अरे सारे बुझाए काय गेल रे। अरे गुरु ओन्ने देखी फ्लावर चीले से सबने खड़ी पाड़ी। आज ते चिलम सुलग के रही। बम बम गौरी। अरे सारे भोले तो बोले दे। हम चिलम फुलगा तानी तो हम पीछे पीछे चली गुरु चली। चल 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 चल। आज तो मंदिर में घंटा बज के रही। का भाई गुरु, अरे तू ऑफिस जा कहा गेला? चरुआ मगरुआ, अरे सलामती चाहत वासन तो भाग ले यहाँ से। गुरु का तड़ तो भागा। गौरी शंकर है ने आवा। अरे बहनी प्रणाम। बाह लगा तानी। नमस्ते। अरे बहनी हमरा के चाहे दी, अब हम सुधर गेल बानी। गौरी हम तोरा से का कहले रानी कि ई सब। अरे याद बा बहनी याद बा। अरे हमार चिलम तो कब का पूछ चुकल बा। अरे ई गौरी शंकर रउआ के गुलाम बा। रउआ कही त हम केहू के भी चिलम बुझा सकीला। कौन दवाई देले बारन डॉक्टर साहब? सुंगला के बाद ये हाल बा, तब पियला के बाद का होई? जवन होई पिए वाला के होई, हमरा वसे का मतलब? आज मौसम के भी मिजाज बदलल बा। ये बिजली पता ना केकरा पर गिरी। हमू एक गिलास पी के मस्त हो जाता नी। का कर रहल बाड़ा? क्या कर रहल बाड़ा? अमृता दीदी और मृत्युंजय भैया खातिर दूध बना रहल बानी। अमृता दीदी और मृत्युंजय भैया खातिर? हाँ। ताई तीसरा गिलास केकरा खातिर बा? ई हमरा खातिर बा। एक तू मत छुआ। तू ऐजे रहा, हम अमृता दीदी और मृत्युंजय भैया के दूध दे के आवता नहीं। केकरा खातिर बा? ई कैसन दूध बा? बहुते नीमन लागता। अरे बाबा राजवारी चचाई बतावा का करिया।
पहले तो कौन भगवान Thank you.
ऊ है दूधवा। अरे ते में कौन नई बात है, हम तो रोजे पीला। अयो दादा हेने दूध होने भैया, ऊ का कहल जाला दू पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हे भगवान इनका रोज रोज का होत होई। अरे तू का करल बाड़े, हमरा तो समझे में नहीं आवत। कुछ ना भैया, हम ऐसे ही पूछ देनी, हमार तो है बात। अधजल गगरी छलकत जाए छलकत जाए छलकत जाए छलकत जाए छलकत जाए। दुनिया के सारा मट कुत्ता होला, का मिलन का मिलन दोहरा के हमार दूध में कुछ मिला के का मिलन। दो पल की खुशी, दो पल की संतुष्टि, पर तो हार ई नीच हरकत से जाहिर हो गई बा कि तू एक बलात्कारी रहला और एक बलात्कारी हवा। अब तुम्हारी घर में कोनो जगह नहीं खे। देखा हम कैसे तोरा ई घर से बाहर निकाला तनी। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। गौरी शंकर, इतना देर से हवा भरत है, पता नहीं कहाँ जात है। आही रे दादा, ये में तो फाटल ट्यूब लगल बा गुरु, ये में तो नया ट्यूब लगावे के रहे। अरे धत्ते रे के, तब तक खात है कि इतना देर से चिलम फुलगावत है, तू लगत ही नहीं। अरे गुरु तू बैठा, हम बनी नु सब ठीक कह दे। अरे गौरी शंकर, हम तो के कहाँ कहाँ ना खोजनी, और तो साइकिल की दुकान पे बैठल बाड़ा। अरे बहनी ये हमारे माई बाप है, अब हम चिलम फुलगावल छोड़ दली, अभी साइकिल की दुकान खोले ले बानी। देखा गौरी तोरा के हमारे को काम करे के पड़ी। काम करे के पड़ी? अरे टेप बंद कर रहे, हम के इम्पोर्टेंट बात करे के बा। का काम करे के पड़ी? गौरी हम जानता नहीं कि तू पैसा खातिर कुछ कर सकेला। हमारे घर में एगो आदमी बा जेकर नाम मृत्युंजय हा, किसी वजह से वो हमार पति बा, लेकिन हम ओके देखल भी पसंद ना करेनी। वो बार बार हमार नजर के सामने आवेला और हमार जियल मुश्किल हो जाला, यही से हम ओके आपन नजर से दूर करके चाहते हैं। ओकरा खत्म करे खातिर थोड़ा जितना रकम चाहिए हम देवे खातिर तैयार बन। का सोच रहे बाड़ा गौरी? ठीक बा बहनी, ओकर चिलम बुझ जाई। तईला आज से ठीक एक महीना के अंदर ई काम हो जाए के चाहिए। इस जमाना में केहू सुधरल चाहे ओकरा केहू सुधरे नहीं खे दे। जकरा होला ज्यादा गरमिया नंबर हमर मिलावेला, अपने लहंगा के टेम्परेचर हमरा से नपवावेला। अरे यमराज महाराज हमके बचावा। तोहरा का हो गया बबलू? अरे हम का बताई लाली, अरे जब से तू दूध पी के हमारे हालत कैले बाड़ू, तब से तोरा से तोहर प्यार मोहब्बत से हमके बहुत डर लागत हो। अब तो जहाँ जहाँ जाइबा हम उहा उहा आइब। धड़के मोरी छतिया पतिया पूजा ही रचा, धक धक धक
हम समझाई कैसे जोश में आई हो, कैसे मन के हम समझाई कैसे जोश में आई हो, 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 कितना कम बात कैसे दिखाई कैसे जोश में आई हो, कितना कम बात कैसे दिखाई कैसे जोश में आई हो। से तूर दहलू पहली ही रात में, कब नहीं रानी हम सब तोरा बात में, ओ नस नस तूर दहलू पहले ही रात में, कब नहीं रानी हम सब तोरा बात में, की है सोच के हम पछताई सोच के हम पछताई कैसे जोश में आई हो, कैसे जोश में आई हो, कैसे जोश में आई हो, कितना तंबा कैसे दिखाई कैसे जोश में आई हो, कितना तंबा कैसे दिखाई कैसे जोश में आई हो, कितना तंबा कैसे दिखाई कैसे जोश में आई हो। अरे तू लोग, हम का चाहब चाहत तबाड़ी तोहार मेहरारू 10,000 रुपया दहले हई तोहार चीलम बुझावे खातिर। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा, ऊ ससुरी तापन जात दिखा दे, बाकी तोरे जैसन झेंगूर हमार का बिगाड़ पाई दे। उन्ने देखा तनी बहरो। बड़ा मजा आई अगर ऐसा बात मरे के Hey!
कैसे दिखाई कैसे जोश में आई हो कितना तंबा कैसे दिखाई कैसे जोश में आई हो। अरे तू लोग हम का चाहब चाहत तबाड़ी तोहार मेहरारू 10,000 रुपया दहले है तोहार चीलम बुझावे खातिर। बढ़िया बा बहुत बढ़िया बा ऊ ससुरी तो अपन जात दिखा दे रस बाकी तोरे जैसन झेंगूर हमार का बिगाड़ पाई दे। उन्ने देखा कनी बहरो लाड़ी भी देख लेता अमृता तू पागल हो गल बाड़ू का। अरे जवान बच्चा दुनिया ना देख लस तू ओकरा के मार देबे के चाहता डू। अरे तू नहीं क्यों जानत ये कितना बड़ पाप होला। आशा ये बच्चा हमार है एकरा के मरला से पाप होई या पुण्य ई हमरा के भुगते के बा। ई सब सोचल तोहार काम नहीं के। ठीक बा एगो हम दवा लिख देते लो एकरा के 3 टाइम खा ले तहार बच्चा दुनिया में आवे से पहले दुनिया छोड़ के चल जाए। ठीक थैंक यू। पीछे पीछे तुम का कहिला ओकरा के दवाई दे दिला। अरे तू नहीं के जानत यू पागल भी है पागल वो अपना बच्चा के। आशा अमृता माई बने वाली भी है तू कबो अपना बच्चा के नहीं मारता विश्वास रख। पीछे तू नहीं खो जानत अमृता कुछ कर सकी ले कुछ We'll be right back.
सेवा करत रहू हमार। चल खुशी के बात बा, घर में नया मेहमान जी आ रहल बा। अरे ओकरा अइला से शायद अमृता के व्यवहार में बदलाव आ जाए। अगर ई घर में बच्चा पैदा हो जाए नु तो हमनी के रहे खातिर एगो गुहालो नसीब ना होई जननी। अरे कभी तो अपना बारे में शुभ शुभ बोला, जब बोले लो खूब बोलिए बोले लो। हमार तक कर में फुटल बा, हमर निम्न बोली इनका खूब बोलिए लागेला। ई ना सुधरी है। अरे गौरी भैया राम राम। अरे राम 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 राम, चल मगही पाल लगा बिना कत्ता के। ये चंगरुआ हां गुरु। अरे नवरवा निकाल रे। अच्छा निकाल जल्दी कर जल्दी कर। अबे किन्ने रख ले वाले बता दे गुरु बता दे। 9 8 9 6 9 6 6 3 6 3 2 5 2 5 8 5 8 5 हो गए। ओके आजा गुरु काला। हेलो बम बम बोले फोन का है कई ले गोरी सुन रउआ से मिलके एगो चिलम सुलगावे के बा। साफ साफ बोल का बोले के चाहत रे। जोन बोले के बा फोन पर ना आमने सामने मिलके बोले के बा। यही ले रउआ जल्दी से एजा आ जाए। जहाँ आपन पति के चिलम बुझावे के सुपारी देले रहलू। चिलम आ गईली। कहीं बुलावले हमरा के बम बम भोले एगो चिलम सुलगावे के बाद। मतलब मतलब मगर हुआ। अरे तनी मतलब समझाओ रे। अभी समझावा तनी। हमार घर में एगो आदमी बा जेकर नाम मृत्युंजय है। इस बार बार हमार नजर के सामने आवेला और हमार जेल मुश्किल हो जाला। यही से हम ओके आपन नजर से दूर करके चाहते हैं। ओकरा खत्म करे खातिर तोरा जितना रकम चाही हम देवे खातिर तैयार बने। तो तू हमार सब बात टेप कर लेले बड़े। टेप गईली ना, टेप हो गईल। उ तो हम ओकरा के टेप बंद करे कहले रहली लेकिन पता नहीं कैसे रिकॉर्ड के बटन दब गईल। हमरा के मालूम है नहीं खिचलत। तू हमरा के ब्लैकमेल करे के चाहत बाड़े। तू इतना समझदार बाड़ू, ये हमरा के मालूम रहे। अब का कर लेबे बोल। तू इतना बेवकूफ बाड़ू, ये हमरा के ना मालूम रहे। मंगरुआ जरा दूसर चिलम सुलगा रे। अभी ला घर में एगो आदमी बा जेकर नाम मृत्युंजय है। वो बार बार हमार नजर के सामने आवेला और हमार जेल मुश्किल हो जाला। एही से हम ओके आपन नजर से दूर करके ला एकरा के भी तोड़ दा। ऐसन बहुत सारा बा हमरा पास। एक कैचर तोरा के फांसी के फंदा तक पहुंचावे खातिर काफी बा। का चाहत पड़े तू? 5 लाख भाई। 5 लाख और भी सुना, एको डबल ऑफर। रुपया के साथ साथ तोका लाली के भी लेके आवे के पड़ी। जकरा खातिर तू हमार चिलम बुझोले रह। ठीक रात के 8 बजे वही पुराना खंडहर। दोनों चीज के लेके पहुंच जइया। बम बम भोले करी सरकार। दिन ब दिन बाजी हमने के हाथ से निकलल जा रहा है। समझ में नहीं आवत कि अमृता के कैसे अपना वश में कर लिया। बहुत लंबा उम्र बा तोहार। हम आ तोहर मामा तोहरे के बारे में बात करत रहनी हसन।
अरे आज हमर भांजी अपन मामा के कमरा में कैसे आ गई? मामा हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई बा। कहे बेटी ऐसा का गलती हो गई तोहरा से? मामा हम मृत्युंजय के हत्या करवा देले बानी। अरे ई तू का कह रहल बड़ू बेटी? हाँ मामा हम जौना के हाथे मृत्युंजय के हत्या करवले बानी, हमार सब बात टेप कर लेले बा और हमरा से 5 लाख रुपया की मांग कर रहल बा। वो 5 लाख रुपया के साथे लाली के भी लावे के कहले बा। अरे तो लाली के दे दा ना, वो कौन मार 50 लाख रुपया के बिया? कैसन बात कर रहल बड़ू मम्मी? लाली के हम अपन बहन जैसन मानीला। माने लुनू लेकिन तार सहोदर बहन तो है ना। अरे ओकर जिंदगी तोहरा जिंदगी से बढ़ के नहीं खे, जा जा लाली के दे दा जा। ना मम्मी कुछ भी होके हम लाली के ना सौंपे। का ये तू का कह रहा बालू लाली? हाँ बोलू, हम अमृता दीदी की सब बात अपन कान से सुनने वाले। अगर वो 5 लाख रुपया के साथे हम के लेके हुआ ना गयी तो गौरी शंकर दीदी के ना, दीदी के कुछ ना होई, अमृता दीदी के कुछ ना होई। वो कहल जाला ना, जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। बाकी लाली अमृता दीदी मृत्युंजय भैया के हत्या करवा के ठीक ना कैली, ई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गई। साथ बोलो ले रहा फिर तू अकेले।
केले आ गेली चिलम सुलगावे खातिर। कहाँ बा तोर बलकिनिया? हम यहाँ बानी गौरी शंकर। इले 5 लाख रुपया और सारा कैसे के साथ गाली हमरा पास भेज दे। ए चंगरुआ। हाँ गुरु। नारे कैसे? इली ई रहल तुहार कैसे? और जहाँ तक लाली के बात बा तो ओके लावे क सौदा में बात भइल रहे, समझ लू? गौरी शंकर, जब ले लाली हमरा पास ना आ जाई तब ले तू बैग के हाथ ना लगा सके ले। बम बम फोले। गौरे शंकर मर। छोटा दीदी, ये तू मगन का कर रहा बड़ा? दीदी के पेट में बच्चा बा। अब मजा आई खेल के। कमाल की औरत। पेट में बच्चा होखला के बाद भी अपने पति के चिलम बुझा देलू। अरे बच्चा तोरे पति का बा कि केहू और का? गुरु गुरु गौरी शंकर, अगर हमारे बच्चा के बारे में कुछ गलत बोले तब तक जान से मार दे। बम बम भोले। गौरी शंकर बच्चा से इतना प्यार आज देखा तू लोग? एक भाई अपन बच्चा के गौरी शंकर के प्रकोप से कैसे बचा रहे? रुक जा गौरी शंकर, ये तेरा एक मासूम के मारे पापा। गौरी गौरी शंकर नाम बा हमार, नाम बा भगवान के और काम बा शैतान के। बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। भोले, अरे जवन चिलम हम बुझा देले रही वो चिलम फिर कैसे सुलग गेल रे? मौत पे जेकर विजय होला ओकर नाम मृत्युंजय होला, और तोरे जैसन घास फूस हमार का बिगाड़ पाई रे? ई मत समझिया कि हम तोहरा के बचावे आई बा, तोहरा कोख में पल रहल आपन अंश के बचावे आई। तू और तोहर अंश बची तब ना। इस तुम्हें खड़ा खड़ा देखन का हवा मरन सारे के। अरे पूछा तो तुम्हें कर चिलम। साला चिरकुट कचेड़ी झेंगू की औलाद, अरे पंचर बनावे वाला ससुरा आज मार के तोर चिलम बुझाए। दो दिन तपार चिलम मुझे सिर बच गई, मगर आज के बाद अब तुम्हार चिलम कब्बो ना खुलगी।
तबियत कैसन बा? हमरा के जियत देख तोहरा के तो बहुत तकलीफ है कि वह दिन हम बच कैसे गए। और हाँ, मारे वाला से बचाए वाला बहुत बड़ होला। वह दिन बच गई तो हम अपना भाग्य से। और हाँ, तू हमेशा कहत रहो कि हमरा से तुहार कौनो रिश्ता नहीं, तो बिल्कुल साँच कह दिया। अब हमरा से तुहार कौनो रिश्ता, आज के बाद तू हर बंधन से मुक्त बाड़ू। अब न तू हमार पत्नी और न हम तुहार पति, बुझलू? हमें क्या की? बस एको शब्द बोलने बगैर चुपचाप यहां से चल जा। ठीक बा, हम जाता नहीं, लेकिन अस्पताल से निकलने के बाद एक बार दादी से जरूर मिल ले। दादी आपके देखले बिना जी ना भाई। इलेकी कबो दिन में कबो रात में गाड़ी लेके निकल जाता रही, पता ना कहाँ कहाँ चल जाता रही। अरे ऐसन हालत में घर में आराम करे के चाहिए, आपन ख्याल रखे के चाहिए। कहाँ करी? माँ जी, अमृता समझदार लड़की बिया, रुआ घबराई मत, वो आपन ख्याल जरूर रखत होए। अमृता, ए अमृता बिटिया सुना, लह जरूर आज लड़की कुछ उल जलूर काम करके आयल बाड़ी। माँ जी, हम बैठी आराम करी ना, हम देख के आवत हनी। हाँ जा, देख के आवा। अमृता, अमृता का बात बा बेटी? हाँ, अरे तू रो रहल बारू, ऐसा का बात बा? मम्मी, तुझे जिंदा बा। हाँ, तुझे जिंदा बा? हम उनका से अपन भूल के माफी मांगे गल रहनी, पर वो हमेशा खातिर हमरा के छोड़ के जा रहल बाड़। मामी, हम उनका के बिना जी ना सके नी। मामी, हम उनका के बिना जी ना सके। अमृता, हमरा के तो कहे के ना चाही, बाकी तू जैसा उनका साथे कैले बारू, एकरा बाद भी का वो तारा साथे रह सकेलन? अतिया, माथा पर हाथ फेरते फेरते माथवा के बाल तउड़िए गए और हाथ पर हाथ धक के बैठा रहबा तो ये सोन चिड़ैया से उड़ जाई। यही से कहत आने की कुछ सोच। अरे तहार भोपू बंद होके तब न हम कुछ सोची, फिर तुम जईवा के जिंदा होखल आ अमृतवा के एह तरह से बदला, हम निखते खतरा के घंटी बा। हम ही दोनों के मिलन होखे ना दे कोनो हाल में, होखे ना दे मिलने। Thank you.
आदमी। बताओ आज मृत्युंजय यहाँ होते तो तोरा के ऐसा देख के उनका कितना खुशी हुई। दादी वो आज आवे वाला बारे वाह, यही सब उनका खातिर खाना बनावे जा रहे हैं। अच्छा हे मैया, हमारे तो मन के सारा मुराद पूरा कर देंगे। हमरा मृत्युंजय के आ अमृता के मिलन करवा देंगे। अब ऐसे बढ़ के खुशी हमरा खातिर का हुई। आए हाय, का बात बा, इतना सब जन के कहां जात बाड़ू, रसोईया में काम धाम नहीं करे के बगा। दीदी हमने के छुट्टी दे देली, आज चीजा जी आ रहल हवे। दीदी अपन हाथन से खाना बनाइए और उनका के खिलाइए। अच्छा तो ठीक बा, लेकिन हमने के जाई जाई कहां? हम बताओ तनी ना राजा कहां चलल जाई। दादा चीज इबिया आइटम बहुत कमाल के, दादा रे दादा चीज इबिया आइटम बहुत कमाल के रे। होठ रसीला कमर कटीला चौपन पसंदार हो, गाल गुलाबी चल सरब लागे लू जान मार हो। होठ रसीला कमर कटीला चौपन पसंदार हो, गाल गुलाबी चाल सराबी लागे लू जान मार हो। रखल जान निकाल के दादा रे दादा, अरे दादा रे दादा, दादा रे दादा चीज इबिया आइटम बहुत कमाल के, दादा रे दादा चीज इबिया आइटम बहुत कमाल के रे। मन लोग तरसे देखे जवानी
नजर जे कर तोहरा पे पड़ी ओकर नियत बदल जाई। लइका तो लइका बुढ़बो के भी मन मिजाज पिघल जाई। आए नजर जे कर तोहरा पे पड़ी ओकर नियत बदल जाई। लइका तो लइका बुढ़बो के भी मन मिजाज पिघल जाई। चीज बिबिया आइटम बहुत कमाल के दादा रे दादा चीज बिबिया आइटम बहुत कमाल के बिया रे। मजा आ गई। चलो कम से कम भोलेनाथ के दर्शन तो हो गए। मजा कितना खुश नसीब बाड़ा कि एक दूसरा के प्यार के पंख लगा के हवा में उड़ रहल बाड़ा। और एगो हमार नसीब बा पता ना कब उड़े के मिली। का दीदी डॉक्टर साहब रहुआ के प्यार पता ना क्यों कब हमरा से कहिए। आशा आई लव यू। अरे दीदी रहुआ हमरा के तो इमोशनल कर देली। अब देखिए हमार कमाल। अगर डॉक्टर साहब रघुआ के आज आई लव यू ना बोलने तो हमार नाम भोलू नहीं। ए, ये भोला कहाँ चल देलस? दीदी वो देखे में ऐसन बा पर काम बड़बड़ करेला। अरे सर रघुआ कहाँ गई रहनी? भोलू आई रहल आपसे मिले खातिर। हाँ अरे का कहत रहे वो जो कह के गई बा रउआ के बर्दाश्त न कर सकब सर। का ऐसन कौन बात कहते रहे जौना के हम बर्दाश्त नहीं कर सकत? उ कहत रहल कि आशा मैडम के बियाह तय हो गइल बा। का हाँ आशा के बियाह तय हो गइल? अरे केकरा से? उ कहत रहे कि शहर के एगो लड़का बा। हाँ उ बहुत बड़ा पैसा वाला बा इंजीनियर बा। ओकर जौन बाकी बहुत बड़ बंगला बा और वो जौन बा किटाई भी लगावेला। अरे ये सब कैसे हो गई हो? आपका फायदा के रहुआ जब आशा मैडम से प्यार करत रहनी तो रहुआ बोलबे ना कहनी गुम हो गई रहनी। अब तो चिड़िया चुप गई खेत। अब पछताइले से का फायदा? हमारा से बहुत बड़ भूल हो गई दादी ने। एगो बहुत जरूरी काम निकल आयल रहे जेकरा वजह से बिना बतौले चल गई। हमरा के माफ कर दे। छोड़ो जाए तो चलो भूख लागल हुई खाना खाने। नहीं दादी हम बस रउआ से मिल जाए अब हम जाता है। ऐसन काहे कहता रो बेटा तुम से कुछ कहल हो क्यों का? हमरा से केहू का कहे दादी लेकिन रउआ चिंता ना कर हम ए हवेली में रोज आके रउआ से आशीर्वाद लेब जरूर और ए हवेली पे जे भी पूरी नजर से देखी ओकरा के सबक सिखावल हमार फर्ज है। लेकिन अब हम हवेली में ना रह सकते। अरे तोरा परेशान करके हमरे हॉस्पिटल मिला रहा। अरे आउट मिलता नहीं कि तो हम का करी हो? चल पागल। अरे दरवाजा तो खुलल बट रे। आशा आज तार शादी तय हो गई बहुत खुश बन बहुत खुश बन। हम तरह के गो आई लव यू ना कह पैनी कहे कि
हम तरह के आई लव यू से ज्यादा प्यार करी ले। अब तू पराई हो जाइबू, तरह याद के सहारे हम अपन जिंदगी बिता दे। हमरा जोन बुझाई तोन कह देनी, बेस्ट ऑफ लक। अरे भाई तनी रुकी, काहे मुंह लटका के जाता नहीं। अरे डॉक्टर साहब, अगर ये सब बात कहे के रहे तरुआ एक दिन पहले ही कह दे ले रहती, तो ये सब ना होइत ना। दोस्त, किस्मत में ना लिखा रहे तो कैसे एक दिन पहले कह देती। चाचा रुआ घरे दारू पी के आईनी, माफ कर दे हमरे के। हमारे बात सुन ले विजय बेटा। बोली चाचा। विजय बेटा, रुआ तोरे साथ मजाक कर ले रहे, पर ये बात सच बात कि हमार बिटिया आशा के बिया तोहरा के छोड़ के केहू दूसरे के संग हो ही ना सकत। शर्माए के जगह ई टक टकी लगा के देखती है। ए हां, अरे ई हसीन मौका पर कहां टहले गई रहलु हो का जी?
हम ना अमृता और मृत्युंजय भैया के बारे में सोचत रहनी है। पता बार हुआ के वो हमने की शादी में अलग अलग दिखत रह जी, अब तो दोनों के एक हो जाके चाहिए ना। आशा देवी, ये हमार मिलन के टाइम हो, तू कहा दूसरा के ओखरी में सिर डाले के फेर में लागल बड़ का जी। अरे छोड़ो ना वो दोनों के। एक बात बोली, रउआ तो एकदम में स्वार्थी हो गई बनी। अरे ये हसीन मौका कौनो मत, आप स्वार्थी हो जाना, ये हमार रानी। मौत से मेल हो के हो ना जाने, के
खेल हो, किस्मत के खेल हो। बोलू दीदी के दुख हमरा से नहीं खे दिखल जात। दीदी के ना खाए के सुधबा ना सोए के, आज 5 महीना हो गई। मृत्युंजय जीजाजी रोज दादी से मिले आवेले, पर अमृता दीदी उनकरा से मिले खातिर तरसत रहली। पता है ना उनकर किस्मत में ई दूरी कब तक लिखल बा। तू चिंता मत कर लाली, जब हम आशा दीदी और डॉक्टर साहब के मिलन करवा देली तो अमृता दीदी और मृत्युंजय भैया के मिलन करवा के रहब। समझ में देखे आवत, मृत्युंजय वा जिन्न लेखा डॉक्टरवा के घरे कहे पड़ा रहता, और जब देखो तब ये हवेली में टपकल रहता। अरे जब अमृतवा के साथे ऊपर कोनो रिलेशन नहीं थे, कोनो रिश्ते नहीं थे, तो कहे नहीं अपन गाँव चल जाए। अरे इतना बड़ जायदाद के छोड़ के क्यों पागले न हो जो वापस चल जाये। हमरा तो लगता कि वो अपने बच्चा के पैदा होने के इंतजार करता। एक बात देखी है कि वो हवेली पर कब्जा करके कैसे बैठ जाये। ना ये कबो नहीं खा सकत। तू देखत रहियो ये हवेली ना मृत्युंजयवा के होई ना ओकर होखे वाला बच्चा के। गजोधर बाबू, गौरी गौरी शंकर नाम बा हमार, नाम बा भगवान के और काम बा शैतान के, समझ ली। ए गौरी शंकर, शैतान के काम साइकिल में हवा भरल ना हो, जानला। मतलब मतलब ई भेल गौरी शंकर कि शैतान शैतान होला, जानला। आ शैतान ई धरती पर राज करे खातिर पैदा होला, राज करे खातिर। और अगर शैतान चाहे तो संसार के सारा खुशी ओकर कदम में हो सकेला। ए भैया, ए खुशी के कई बार सुलगावे के कोशिश कैली, पर जब भी ससुरी चिलम सुलगौली कहीं न कहीं जाके बुझ गई। अब से ऐसा ना ही गौरी शंकर, बस तू हमारे प्लानिंग हिसाब से चलत जा। फिर जौन तू चाहब तहरा मिली, हम जौन चाहब हमरा मिली। बम बम बोले गौरी शंकर। आवा मृत्युंजय भैया, आवा आवा। अरे ससुरा ये तो बता हमरा के लेके कहाँ जाता है। अरे भैया ये बतौला से सब मजा किरकिरा हो जाए, चलो बस चाप के चलत रहा। फकीरा चल चला चल, फकीरा चल चला चल, फकीरा चल चला चल, फकीरा चल। ससुरा के चक्कर में कहाँ फंस गए, कुछ समझे में नहीं किया, ना जाने कहाँ लेके आगल हमरा के। अरे ये तो बता और हमनी के कितना दूर जाए के बाकी बा। अरे ससुरा कहाँ गए नजरे ने क्या। हम रह जाए, काहे जात पा
मासूम के कबले सजा देबो मैं तुंजे तहारी जाति हमरा से देखल लिखे जात भैया अमृता ओ हाल में बाड़ी कि ओ कब्बो मां बन सकेली और रवा ओकरा के ई तरह सताए तो हमरा डर लागता कि कहीं ओ कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे देखो मैं तुंजे अरे ओकरा गलती के सजा ओकरा के भगवान दे देले अरे अब तो माफ कर दो भाई ओकरा के डॉक्टर साहब एगो पुराण कहावत क्रिया चरित्रम दैवो न जानम लेकिन ओकर चरित्र के हम अच्छी तरह से जान रहे ओकर एको त्रिया चरित्र अब हमारा ओकर ना चले और सुनी जवान औरत अपने पति के मरवावे के कोशिश कैलस उ कब्बो माफी के लायक ना होले तनी देखा हे भगवान सब कुछ ठीक है ए बिटिया तनी देखा बहुत परेशान बानी थी रुको चिंता मत करे सब ठीक हो जाए हाँ ठीक हो जाए रुआ घबराई मत कितना देर हो गई मुबारक हो दादी लड़का भाईवाल लड़का अरे वाह काशी खुशी के मौका पर मृत्युंजय यहाँ होते तो कितना खुश होते आज दादी ये बात करो टेंशन मत ले मृत्युंजय के लिए अब हमार काम जब वो कुछ खबरी सुनी है तो भागल दौड़ रहे हैं अपना बेटा से मिले जोरसिंह जी साहब इधर बहुत
दवाई लेके ना वेला पता ना कहां गए अरे रुक रुक ये हरे अरे केने गई तो रात का निकाल के काना बना दे अवस्थानी में तुझे भैया बहुत बारा नाथ हो गए दीदी दीदी तो ये चेरुका दीदी हम घर आ जा अब तो चला अब चला दीदी संभाल के दीदी बाबा तो हो तू लोग आई जा अमृता तू अभी आई जा पता ना बाबा हमारे बच्चा के खेले गए हैं बच्चा खेले गए था के ऐजा से अब तू लोग जा बैठ के तमाशा देखते हो अरे ना ना हमने की तो ऐजे ही रहनी हो कब गई कहां गई कुछ पते ना चले खाक हो जा रहो बच्चा को उठा के ले गई तो जो धर के नाती के जल्दी चल हमरा साथे चलो जल्दी चल अरे का खुशखबरी बा बोलू गजब हो गई भैया गजब हो गई का गजब हो गई रे केहू राव और बच्चा के उठा के ले गई का लगल रे अब के लागे था कि गौरिया के सब काम होई गौरी अरे गौरिया आखिर तू अपन जात दिखाइए दे ई बोल केने लेके गई हॉस्पिटल से पूरब के ओर लेके गेल भैया चल चला ओकरा के छोड़ हमना भैया आई कहां ले आल बड़ा गजोधर ई वे जगह है माई जी जहां राउत पर नाते के सुरक्षित रखल गइल बा आओ देखे बम बम बोले तोहरे कैल धैल ह गजोधर अरे तोहरा तनिको शर्म ना लागल ह हो ऐसन मासूम बच्चा के उठवा के माई जी 18 साल तक हमने के दोनों बेकार ई हवेली में रह और चाकरी के नहीं जा रह सबे के सेवा के नहीं जा एकर ई सिला रह सबे हमरा के देनी और बुढ़ऊ अपना वसीयत में भोलू नो करवा के 10 बीघा जमीन हमने के सिर्फ 2 बीघा सोची का होत से हमने करे जा बहुत दिन वही दिन हम प्रण कहने हमार बच्चा ये हवेली के जायदाद अगर कोई का हक बा तो सिर्फ गजोधर का हक बा देखी हवेली का जायदाद हमरा नवे कर दी नहीं तरह और परनाती के खनम कर दी हर जाए गजोधर तू जवन मांगो हम कह रहा के साथ देवे के तैयार मानी लेकिन तू हमरा पर नाती के सही सलामत हमरा के लौटा दे हम बता देता नहीं मतलब उम्र के साथे समझदारी बाचल बा धारी कलम पकड़ी और जल्दी स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करे दस्तखत करी है जा है जा रुक जाए दादी रुक जाए हम कहते नहीं कि रुक जाए हम बम बोले डॉक्टर साहेब जरा हिने देखी अगर वो जगह से हिलनी ना तो बच्चा हमारे हाथ से फूट जाए समझ नहीं समझदार बानी रहुआ बहुत जल्दी है जा दस्तखत करी और अपन परनाती को सुरक्षित ले जाइए जैसे जल्दी करी ना दादी ना अरे हेने होने का मुंह तक करो जल्दी कागज पे दस्तखत करो जल्दी रहुआ दस्तखत मत करी कौनो कीमत पे मत करी सुना हम कौनो कीमत पर दस्तखत ना करा ना करबू गौरी शंकर हमार बच्चा मामा हमार मासूम बच्चा रहा और का बिगड़ लेवा हमार बच्चा के छोड़ दी रहुआ के जान लेवे के बाद हमार ले ली बाकी हमार बच्चा के छोड़ दी हाथ जान लेके हम का करब अमृता ई ताकत ही मसू में ही बा जेई गुड़िया से कागज पर दस्तखत करा सकेला सुना हम कोनो कीमत पर ही कागज पर दस्तखत ना करब हम बता देता नहीं जाता तो परनाती के मौत के डर तो दिल से निकल गई बा बुढ़िया दस्तखत कर जल्दी गजोधर अगर भगवान जहान में बारू तो हमरा परनाती के बाल बाका ना होई बुढ़िया देख तानी तोर भगवान तोर परनाती के कैसे बचावेला गौरी शंकर गजोधर बाबू हमार नाम बा गौरी शंकर नाम बा भगवान के और काम बा शैतान के अरे पैसा खातिर हम तो कुछ कर सकी
देख कौन भगवान तोर बच्चा के बच्चा हुए आवेला देख। मृत्युंजय के बेटा अक्ष, अरे जब तुम्हारे बाप के केहू कुछ ना बिगाड़ पौलस तो तुम्हार का बिगाड़ता। अरे बाबू आ गए हो सका। अरे तोरा दामा और मिर्गी दोनों बा। अरे दादा ये चिलिम के चक्कर में दामा हो गई। का करे के पड़ी सर? हॉस्पिटल जाए के पड़ी। कहां बा हॉस्पिटल बताई? बोल दे बा। अरे चक्कर में हमने का धुआं निकल हम यहाँ राजा अब देख लो तहारी हुआ या फेल हो गई जान लो कि ना काहे खते घबराता नहीं इतना गुंडा सबसे बच्ची थोड़े भी दूं जइया सब गुंडा मार के इनका तो मौत कर पाऊं।